इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अपने देखा ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसकी वजह से गुडे बात करें तो क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। अपने क्या बोला, ये गुडे बात करें वो स्फीयर जिसको अपने चार्ज क्यू दिया, आर इसकी रेडियस है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, इसके अंदर वाले पॉइंट पे गुडे बात करें इसके सेंटर से इस वाले पॉइंट पे, मतलब सर्फेस के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। मैंने इस पॉइंट पे निकाली तो ये क्या है बेटा, बात करें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट इनसाइड पॉइंट, ये गुडे बात करें सर्फेस में निकालना, इसके आप सेंटर भी निकाल सकते हो, ये गुडे बात ये वाला ये पॉइंट है जिसको अपन बोल सकते हैं सर्फेस के बाहर है, आउटसाइड पॉइंट पे निकालना, सेंटर पे डिस्टेंस जीरो होगी। गुडे बात करें इनसाइड हमने डिस्टेंस आर मान लिया, सर्फेस की रेडियस तो गुडे आर ही होती है कैपिटल आर, और आउटसाइड वाले पॉइंट को भी हमने क्या माना है आर माना बेटा, आर डेस मान लो या आर मान लो जो मानना है। जहां भी गुडे बात करें कभी आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना पड़े तो आप क्या करोगे दोस्त, वहां पे आप गॉसियन सर्फेस को गुडे बात करें कंसिडर कर लोगे, ठीक है। अब इसके अंदर कितना चार्ज है आपको पता है, गुडे बात करिए हमारे पास नॉन कंडक्टर है, तो जब भी आप चार्ज देते हो तो ये यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूट मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका मतलब सारा चार्ज तो यह सेंटर तो होगा ना दीदी, बात करें कुछ यहाँ होगा कुछ यहाँ होगा कुछ यहाँ होगा कुछ बाहर भी होगा, तो टोटल चार्ज अंदर नहीं आएगा। आपको पता है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते गुडे बात करें तो चार्ज यहाँ पे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वॉल्यूम के फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस पॉइंट पे निकालना चाहो हमारे पास इनसाइड वाले पॉइंट पे इस आर डिस्टेंस पर, तो यहाँ से अपन गॉसियन सरफेस कल्पना करेंगे, ई इनसाइड अपन निकाल रहे, तो यहाँ पे हमने क्या देखा बात करें कि जो आर डिस्टेंस है वो कैपिटल आर से छोटा हो रहा है, ठीक है। अब आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है बेटा बात करें, तो टोटल चार्ज इसके अंदर गुड़े कैपिटल की तो होगा नहीं, कुछ कम ही होगा क्योंकि हमारे पास सर्फेस भी कम है, जगह आपने कम दिया, तो हमने निकाले गुड़े बात करें फॉर्मूला से, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं बेटा बात करें, यहाँ पे वॉल्यूम स्फीयर है तो अपन क्या निकालते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा बात करें क्या, रो इक्वल्स टू क्यू बाय वी, द टोटल चार्ज व्हिच इज प्रेजेंटेड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। दूसरी कंडीशन बेटो, चाहे इनसाइड वाले पॉइंट पे निकालो चाहे सरफेस में चाहे आउटसाइड वाले पॉइंट पे निकालो, हमेशा मुझे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है आउटवर्ड निकलती है, ठीक है, और वो भी कैसे बेटे बात करें सरफेस के 90 डिग्री पर, मतलब रेडियली आउटवर्ड निकलती है, और किसी भी पॉइंट पे भी बात करें आप कहाँ निकालो उसका एरिया वेक्टर निकालो तो वो भी बुढ़े बात करें 90 डिग्री पर निकलता है, मतलब अगर एक ही पॉइंट पे आप बेटा बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और बुढ़े बात करें किसको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखो तो 0 डिग्री पर निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बेटा बात करें देखना है कि हमेशा जब भी एरिया और ई के बीच का एंगल निकलेगा वो 0 आएगा। समीशन बुढ़े बात करें जो हमने देखा क्या चार्ज, मतलब टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है तो वो कितना आएगा, चार्ज इसको स्टूडे आता है हमारे पास क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, पर वॉल्यूम कौन सा लोगे तो छोटे वाले स्फीयर का, तो कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यू, मतलब कैपिटल आर जगह देंगे स्मॉल आर। और जब आपने निकाला बेटा बात करें तो हमने गुड़िया बात कर देखो, अब आपने क्या निकाला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा बात करिए, ये पहले फॉर्मूला आपने निकाल देख लिया था ई ए भी बात करें पर याद है वही फ्लेक्स वाला फाइव इसको स्टू बुढ़े बात करें ई ए कॉस थीटा, तो ई ए कॉस थीटा इसको स्टू क्या आएगा समीशन चार्ज अपन बुढ़े बात करें क्या एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्या करना चाह रहे बुढ़े नॉन कंडक्टर स्फीयर के अंदर या बाहर या सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो बुढ़े गॉस थ्योरम की हेल्प से निकाल रही है आप, अल्टीमेटली आपने क्या लगाई गॉस थ्योरम ही तो लगाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको स्टू क्या आ जाएगा बेटा बात करें एरिया, एरिया कौन सा अंदर वाला वो कितना आएगा पाई आर स्क्वायर बुढ़े बात करें, ठीक है, स्मॉल आर लेना आपको। कॉस थ्योरम की बात करें 0 कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, समीशन क्यू बुढ़े बात करें आपने निकाला था अभी समीशन क्यू कितना निकाला था आपने रूट 4/3 पाई आर क्यू वो निकाला और बुढ़े एप्सिलॉन नॉट रखा, इसको आपने काट पीट दिया, तो काट पीटने के बाद बुढ़े बात करें आपके पास क्या निकल गया ई बुढ़े बात करें निकल के आ गया हमारे पास इनसाइड के क्यू अपॉन आर के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यू, और दूसरा फॉर्मूला मैंने वही लिखा है बेटा बात करें जो अपने गुड़े बात करें देखो कहाँ निकाला था कौन सा निकाला था ये इनसाइड वाला निकाला था ना अभी बात करें तो एक गुड़े बात करें ये जो हमारे पास इस तरीके से निकला था क्या निकला था बिल्कुल 3 रो या भाई बात करें रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, तो ये वाला है रो बुढ़े बात करें आपने क्या देखा था यहाँ आर स्क्वायर से आर दीदी बात कर क्यू था, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जब आर स्क्वायर से आर क्यू कटा था बुढ़े तो आर बचा था, मतलब रो आर अपॉन 3 बेटा बात एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो ये और बुढ़े बात कर जो आपने रो की वैल्यू बेटा बात कर रखी समझ पा रहे, तो वो काट के कितना है बेटा के क्यू अपॉन आर, आपने दीदी देखा के क्यू कैपिटल आर सब कॉन्स्टेंट है, रो कॉन्स्टेंट है 3 कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन कॉन्स्टेंट, तो केवल बचा क्या स्मॉल आर, चाहे इस फॉर्मूले से देखो चाहे इस फॉर्मूले से, मतलब बुढ़े बात करें किसी कंडक्टर नॉन कंडक्टर स्फीयर के अंदर आप देख रहे हो जब तक सरफेस से आप अंदर अंदर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगी केवल उसकी गुड़े बात करके इस पर डिस्टेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ग्राफ जब भी बनेगा गुड़े बात करके सब बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा। फिर गुड़े बात करें आपने दूसरा दिखाया सेंटर पे, सेंटर पे गुड़े बात करें कैसे आर को कम करते गए सेंटर पे चले गए आर की वैल्यू गुड़े बात करें जैसे 0 करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी इनसाइड, क्योंकि सेंटर भी तो अंदर ही बेटा सोच पा रहे तो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे अपन इनसाइड, तो आर को 0 रखोगे गुड़े बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, मतलब ग्राफ आपका हमेशा कहां से स्टार्ट होगा दोस्त 0 से। सरफेस पे बुढ़े बात कर देगा तो सरफेस के लिए आपने क्या होता है फॉर्मूला तो दीदी अगेन यही लगाओगे बेटा, ठीक है ना, पर टोटल चार्ज कितना है जैसे हमें सरफेस में निकालना पड़ा तो हमने देखा कि टोटल चार्ज सरफेस और सरफेस के अंदर ही तो है,
तो अगर इसी को लेते हुए उधर गॉसियन सर्फेस आपने बनाया जो टोटल चार्ज सर्फेस के अंदर आ गया, तो हमने क्या देखा बेटा, समीशन क्यू टोटल चार्ज के बराबर है। आपने ई ए कॉस थीटा इक्वल्स टू समीशन क्यू अपॉन उधर बात का एप्सिलॉन नॉट रखा, तो ई ए रेडियस बताओ इस हमारे पास एरिया कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। उधर बात करें एंगल वही आएगा बेटू, बात करें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही उधर बात के एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, मतलब यहां पे जो थीटा है वो 0 डिग्री है और कॉस 0 की वैल्यू उधर बात करें 1 होती है, तो ई ए 4 पाई आर स्क्वायर आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे लेके गुड़े बात कर तो 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे लेगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे दीदी बात कर बन जाएगा के 1/4 पाई को अपन ने क्या बोल दिया के क्यू गुड़े क्यू रहेगा आर स्क्वायर नीचे आ ही रहेगा। तो हमने क्या देखा बेटू, बात कर ये हमारे पास कहां है, सरफेस पर है जो कि मैक्सिमम है। आपने देखा बोले ग्राफ से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम मिली थी तो उसकी नहीं मिलती कोई बात करें सोच पा रहे, उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे गुड़े बात इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगती है, कम होने लगती है। आपने देखा गुड़े बात कर मतलब यहाँ पे सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है वो गुड़े बात कर किस पे डिपेंड करता है, 1/r² पे डिपेंड करता है। उसके बाद गुड़े जैसे सरफेस से आप एक पॉइंट भी आगे बढ़ोगे आप कहाँ पहुंचोगे बेटा, आउटसाइड। अब आउटसाइड में चाहे गुड़े आप थोड़ी दूर पर लो चाहे तुम कितनी बड़ी दूरी पर ले लो, तो यहाँ पे कैसे डिपेंड करती है। हमने देखा बेटा बात की जब हम आउटसाइड हमने निकाला तो ई क्यू समेशन गुड़े बात का टोटल भी ये भी क्यू के बराबर आ गया। कैसे, अगर इस पॉइंट पे आपको निकालना गुड़े बात में तो पहले आप क्या करना क्या करो, गॉसियन सरफेस सोच पा रहे, क्योंकि गॉस की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो गॉसियन सरफेस हमें बनाना पड़ता है। आपने देखा गुड़े टोटल चार्ज अल्टीमेटली इस सरफेस के अंदर ही तो है, तो गुड़े बात कर अपन क्या बोलेंगे, समेशन क्यू कितना लेंगे, क्यू ही लोगे ठीक है। ई ए कॉस थीटा गुड़े बात कर, बस आपको एक ही याद रखना दीदी, एरिया कौन सा लोगे बड़े स्क्वायर का, अब ये वाला स्क्वायर बन चुका आपका तो 4 पाई आर स्क्वायर, इसको आर एस बोला तो आर एस स्क्वायर बोल दो, मैंने आर ही माना है आर स्क्वायर। कॉस गुड़े बात कर वही आएगा, एरिया गुड़े वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है सेम होती है, तो गुड़े बात कर जीरो मतलब एंगल 0 डिग्री आता है, 0 कॉस की वैल्यू होती है 1, तो अपने 1 रखोगे तो यही रह जाएगा। इसको नीचे ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, गुड़े बात कर 1/4 जो ये नीचे जाएगा तो 1/4 आ जाएगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुड़े बात कर ठीक है क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा जो ये लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुड़े अपन क्यू मानते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा। मतलब यहाँ पे आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी किस पर डिपेंड करी बेटा, बात की रेडियस की स्क्वायर पे, मतलब गुड़े बात की बड़े स्क्वायर के रेडियस के स्क्वायर पे बोलो डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब गुड़े बात कर आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी, और वो भी गुड़े बात कर थोड़ी बहुत कम नहीं होगी, बहुत तेजी से कम होगी, क्योंकि अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए गुड़े बात का स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, क्या आएगा बहुत तेजी से कम आएगा, आ रहा नहीं आ रहा दोस्त, हो जाएगा नहीं हो पाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से गुड़े बात करने क्या देखा, ये ग्राफ देखा बेटा बात की, 0 स्टार्ट किया गुड़े सरफेस तक जब पहुंचे स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल मैक्सिमम, आपको गुड़े बात कर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती गई, आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, सेंटर से गुड़े आर को बढ़ाते सरफेस तक लाओ, सेंटर से गुड़े बात कर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम करो, सोच पाए जैसे सेंटर सरफेस पे पहुंचे सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब सरफेस कोई जगह थोड़ी दोस्त, जगह तो गुड़े बात करें सेंटर से लेकर सरफेस तक है, या फिर सरफेस के बाहर गुड़े बात की इन्फाइनाइट तक है, सेंटर तो एक गुड़े बाउंड्री है, इसलिए सेंटर एक पॉइंट है, सेंटर क्या सरफेस क्या है, सरफेस एक पॉइंट है, सरफेस एक पॉइंट है, सेंटर एक पॉइंट है, अंदर जगह है और बाहर जगह है, सोच पा रहे दोस्त, ये गोलू बात कर क्या है सेंटर, ये क्या है बेटा सरफेस, तो ये क्या है गोलू बात के बीच में, सोच पा रहे सेंटर सरफेस के बीच की दूरी मतलब इनसाइड डिस्टेंस, और ये गुड़े बात कर सरफेस से कहां है बाहर तक की, मतलब गुड़े बात के इनफाइनाइट तक जा सकते हैं दोस्त, सोच पा रहे, इसलिए ग्राफ को गुड़े बात कर कभी अपन ने कितना नहीं लिया है दोस्त, समझ पा रहे इनफाइनाइट नहीं किया, क्योंकि डिस्टेंस आप इनफाइनाइट लोगे तभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0 हो पाएगी, और ऐसे नहीं हो पाएगी, तो सेंटर से गुड़े बात कर बढ़ाना है, और मतलब इस ग्राफ को जरूर याद रखना, अच्छा दीदी बात का पैटर्न है ये, नॉन कंडक्टर स्क्वायर के लिए पूछा जाए तो सेंटर से गुड़े बात करें सरफेस तक बढ़ेगी, सरफेस पर मैक्सिमम आएगी, कितनी आएगी एक अपॉन आर स्क्वायर, उसके बाद दीदी कम होगी और कम होते होते इन्फिनिटी क्या हो जाएगी 0, इतना सा दीदी खेलता, उम्मीद करता समझ में आया होगा, चलो।